राजकोट में मशीन टूल्स का बिजनेस करने वाले छोटे छोटे एंटरप्राइजेस हैं और ये सभी फैमिली बिजनेस जैसे हैं और जिसमें इन्वेस्टमेंट ये सब बहुत छोटा होता है। अब ये खास करके 4 महीना रेनी सीजन में इसमें डिलीवरी टाइम में डिले हो जाना वाजिब है। ये क्या होता है कि जब ये 4 महीना रेनी सीजन होता है तो हमें जो कास्ट एंटी अवेलेबिलिटी है जो फाउंड्री में बनता है वो स्लो हो जाता है। अभी ये सीजन में कभी भी ज्यादातर रॉ मटेरियल का रेट तो बढ़ता नहीं है तो फाउंड्री वाले रेट तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन उन लोगों का रिजेक्शन बढ़ जाता है। अब रिजेक्शन बढ़ने की वजह से वो लोग अपने वर्कर को गांव में भेज देते हैं, अपना प्रोडक्शन लो कर देते हैं और अवेलेबिलिटी कम हो जाता है। टाइम पे क्या होता है कि जो डिलीवरी हमें मिलती है कास्ट आयरन की वो डिले होने की वजह से हम आपको जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है उसका डिलीवरी तो टाइम पे दे सकते हैं, लेकिन हम आपको जो वहां से मटेरियल आने का एक्सपेक्ट करते हैं वो बिगड़ जाता है। आपको शायद मालूम होगा कि कास्ट आयरन वेदर जब बहुत मॉइस्चर वाला होता है उस वक्त अगर हम 10 पीस निकालते हैं तो शायद 7 ही पीस हाथ में आते हैं, 30% 40% रिजेक्शन होता है। तो ये रिजेक्शन होना मॉइस्चर के वजह से वाजिब है और हमें जो पीसेस मिलते हैं हम 10 पीस का एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारे हाथ में 6 ही पीस आते हैं और इस वजह से बहुत सारे फाउंड्री वाले अपना प्रोडक्शन कम करते हैं। एक तो ये भी है, दूसरा इस रेनी सीजन में जो रीजन है वो ये है कि आप 4-5 त्यौहार ले लो, राखी, जन्माष्टमी, नवरात्रि या गणेश, ये सभी बहुत लंबे लंबे त्यौहार है। यहाँ पे एक छोटा वैकेशन भी होता है जन्माष्टमी के ऊपर 5-6 दिनों का, इसकी वजह से भी हमारा डिलीवरी टाइम लंबा होता है। देखिए आपने बंका को कोई ऑर्डर दिया, बंका में हम ऑर्डर परचेज ऑर्डर लेते हैं और आपको सेल्स ऑर्डर देते हैं, उस वक्त दो बातें होती है, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हम बंका में ऑलवेज रेडी स्टॉक रखते हैं, ये प्रोडक्ट्स ऑलवेज रेडी स्टॉक होते हैं बंका में, साल के कोई भी महीने में आप आ जाओ वो मशीन आपको रेडी मिलेगी। लेकिन कुछ मशीनें हम रेडी स्टॉक नहीं रखते हैं और वो ऑर्डर से बनाते हैं, लेकिन उसमें हम डिलीवरी टाइम नहीं देते। क्यों नहीं देते? देखिए क्या होता है, हम मशीन तो जल्दी से ही बनाना चाहते हैं। कोई मशीन का वैल्यू 5 लाख है तो आपने हमें 1 लाख दे दिया, आप सोचते हैं मेरा 1 लाख फंसा हुआ है, लेकिन हमारा यहाँ और भी 3-4 लाख फंसा हुआ है। हम भी उस मशीन को आपको डिलीवरी कर देना चाहते हैं, इस मशीन का बिल बनाना चाहते हैं, लेकिन कई ऐसी वाजिब बजाओ की वजह से ये मशीन हम आपको डिलीवरी नहीं दे सकते, क्योंकि ये मशीन आप 15 साल चलाने के लिए ले रहे हैं और ये मशीन आपके फ्लोर पे ठीक ठाक अगर 15 साल तक परफॉर्म करेगा तब आप बंका को याद करते हैं और बंका के पास फिर से आते हैं। आप इस वजह से बंका के पास नहीं आते हैं फिर से कि आपको ये मशीन टाइम में मिल गया, आप इस वजह से आते हैं कि ये मशीन परफॉर्म करे, तो आपका हमें ज्यादा डिलीवरी टाइम देना जरूरी है जब ये मशीनें ऑड हो, स्पेशल स्पेसिफिकेशन में बन रही हो या बहुत बड़ी हो। बड़ी मशीनों को हम स्टॉक में नहीं रख सकते, उसमें बहुत वेरिएशन होता है, हर एक जॉब के लिए हर एक तरह का मशीन बनाया जाता है। ये भी एक रीजन है कि बंका में बड़ी मशीनें डिलीवरी टाइम हम नहीं दे पाते इस मशीनों का, लेकिन हमारा सेल्स इंजीनियर आपको हर बार एक सही वजह बताएगा और बताएगा कि ये कहां तक पहुंचा है मशीन। देखिए मशीन को फ्लोर पे ले लिया उसका मतलब बंका इसके लिए इन्वेस्ट कर चुका है, हम फंस चुके हैं, हम भी इसको जल्दी से प्रोसेस करना चाहते हैं। और अगर बड़ी मशीनें हैं, हैवी मशीन है, स्पेशल मशीन है, उस वक्त आप डिलीवरी टाइम दीजिए, ज्यादा पैसे के साथ ज्यादा डिलीवरी टाइम भी उन लोगों को जरूरी है क्योंकि वो स्पेशल वर्क है और आप ये मशीन 15 साल के लिए ले रहे हैं। बेवजह जल्दी करवा के शायद आपका भी नुकसान करवा सकते हैं,
क्योंकि वर्कमैनशिप बिगड़ सकती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, इसी के लिए डिलीवरी टाइम के लिए रिलेटेड। और अगर आपको ये ठीक लगता है, अगर आपको ये आपको आपका नॉलेज बढ़ाने वाला वीडियो लगता है, उस हालत में आप हमें लाइक का बटन दबा के सपोर्ट करें। थैंक यू।